नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राइज ऑफ द जनता दल एंड राइज ऑफ बीजेपी। तो ये राइज ऑफ जनता दल जो पार्टी थी इंडिया में, ये कैसे जो है वो इंडिया में आई है और कब बनी, कब फाउंड की गई, किसके द्वारा इसको बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी जो आज पावर में है पार्टी, वो कैसे बनी, किसने बनाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके जो CUT है उसके लिए है और 12th क्लास के रिलेटेड ये चैप्टर है, टॉपिक है राइज ऑफ द जनता दल। जनता दल केम इन टू बींग इन द ईयर 1989। तो जनता दल पार्टी जो है इंडिया में, इन 1989 में ये पार्टी जो है वो बनी थी, जस्ट ए लिटिल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 9th जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा। तो जब 9th जनरल इलेक्शन लोकसभा की होनी थी, उससे पहले ये पार्टी बनी थी। जनता दल वॉज द आउटकम ऑफ द मर्जर ऑफ थ्री पोलिटिकल पार्टीज इन 1988। तो जनता पार्टी जो बनी इंडिया में, ये तीन पोलिटिकल पार्टीज को मर्ज करके बनाई गई थी। वो कौन कौन सी पार्टी थी, जो तीन पोलिटिकल पार्टीज थी, एक थी जनता पार्टी जो 1977 से लेकर 1980 तक जो है वो पावर में रही सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसको छोड़ के, क्योंकि इससे पहले जो है आपको पता है कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही फुल मेजोरिटी में थी और डोमिनेंट पार्टी थी, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पार्टिसिपेटरी अपसर्च इन 90s, तो उसमें आप देख सकते हैं। द लीडर ऑफ द जन मोर्चा पार्टी, जन मोर्चा एंड लोकदल। हाँ, तो ये जनता पार्टी थी, जन मोर्चा और लोकदल, इन तीन पॉलिटिकल पार्टीज को मर्ज करके बनाई गई थी जनता दल 1989। द लीडर ऑफ जन मोर्चा पार्टी के लीडर कौन थे, बीपी सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे 90s में, वाज यूनैनिमसली इलेक्टेड एज द लीडर। और ये यूनैनिमसली लीडर चुने गए जनता दल के। इट गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वाज अलॉटेड द सिंबल ऑफ व्हील चक्कर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ये पूछा जा सकता है जनता दल का जो चुनाव निशान क्या था, इलेक्शन सिंबल क्या था। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको जो अलाट किया था इलेक्शन सिंबल, वो था भील चक्कर, एज इलेक्टोरल सिंबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिंबल भी कह सकते हैं इसको। तो इट मैनेज्ड टू विन द इलेक्शंस ऑफ 1989 बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग ए नेशनल फ्रंट। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी, ये इसने इलेक्शन जीती 1989 में, मतलब एक बड़ी पार्टी जो थी वो इंडिया में आई, जो 141 सीट्स इसने हासिल की उस वक्त। और बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया इस पार्टी को, सपोर्ट किया और इसने गवर्नमेंट फ्रेम की विद कांग्रेस एस, कांग्रेस सेकुलर, तेलुगु देशम पार्टी, असम गण परिषद, द्रविड़ा मुनित्रा कजागम, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। इन 1999 देयर वाज स्प्लिट इन द जनता दल। लेकिन 1999 में जनता दल में क्या हो गया, स्प्लिट हो गई। स्प्लिट मतलब ये पार्टी जो थी जनता दल, ये डिवाइड हो गई। द जनता दल यूनाइटेड वाज हेडेड बाई श्री शरद यादव। शरद यादव जो थे, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड बना ली, जनता दल से ये अलग हुई, और इसके हेड थे शरद यादव, विद इलेक्टोरल सिंबल इनको मिला एरो। और अनदर फैक्शन लेड टू बी फॉर्मेशन
ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू प्रसाद यादव का नाम आपने सुना होगा, जो हेडेड बाय श्री लालू प्रसाद यादव विद इलेक्टोरल सिंबल ऑफ लैंटर्न, लैंप इनको लैंटर्न जो है वो इनको क्या दिया गया, इलेक्शन सिंबल दिया गया इस पार्टी को। अब जनता दल जो इंडिया में बनी थी 1989 में, इसके प्रोग्राम्स और पॉलिसीज क्या थी? द राइज ऑफ फैक्शनलिज्म हैज लेड टू द स्प्लिट ऑफ जनता दल फॉर 80 टाइम्स। द राइज ऑफ फैक्शनलिज्म, तो इसमें फैक्शनलिज्म राइज हुआ और जिससे जनता दल जो है 8 टाइम्स जो है वो डिवाइड हुई, स्प्लिट हुई। द बेसिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ जनता दल जो थी वो दी गई हैं। फर्स्ट है टू रिमूव पावर्टी एंड बैकवर्डनेस फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। तो ये जनता दल पार्टी जो थी वो भारत से गरीबी और बैकवर्डनेस को ख़त्म करना चाहती थी, रिमूव करना चाहती थी। इट ट्राई टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन, जो मंडल कमीशन बनी थी ओबीसीज के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना, रिपोर्ट एंड फेवर्ड 27% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेज, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं इंडिया में उनके लिए 27% रिजर्वेशन की सिफारिश इस मंडल कमीशन में की गई थी और रिकमेंडेशन इसमें दी गई थी। और ये पार्टी कहती थी कि अगर ये पावर में आई तो ये 27% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वो बैकवर्ड क्लासेज के लिए इम्प्लीमेंट करेगी। थर्ड, इट बिलीव्ड इन ग्रांटिंग राइट टू वर्क, और ये इस पे भी यकीन करती थी, विश्वास करती थी कि राइट टू वर्क जो है सबको होना चाहिए और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए अलाउंसेस होने चाहिए ताकि वो भी अपना गुजारा कर सकें। फोर्थ, टू गिव प्रायोरिटी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग जो हैं, छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी मिले, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एक्सप्लोर द रिसोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। फिफ्थ, जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज थी इस पार्टी की, इट फेवर्स द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी ऑफ मास मीडिया। तो ये जो मास मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, न्यूज़पेपर्स या टीवी में जो न्यूज़ वगैरह देते हैं जो मीडिया है, उसको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और इम्पार्शलिटी होनी चाहिए, ये भी इसकी प्रोग्राम और पॉलिसीज में था। टू रिड्यूस द इनकम इनक्वालिटीज, और जो इनकम इनक्वालिटीज हैं, असमानताएँ हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, उनको भी रिड्यूस किया जाएगा सो एज टू मेक बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया में बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सेवन्थ, टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी, तो भारत को क्या किया जाएगा, रिश्वत से इरेडिकेट किया जाए, भारत में रिश्वत को ख़त्म किया जाएगा, करप्शन को, फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नेंस, और इंडियन सोसाइटी में से और इंडिया की जो गवर्नेंस है उसमें से जो करप्शन है, जो जॉब के लिए, नौकरियों के लिए पैसा लिया जाता है, छोटे छोटे काम करवाने के लिए जो रिश्वत ली जाती है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और एट्थ पॉइंट था इनका, इट फेवर्स कम्प्रीहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये बहुत बड़े स्तर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी लाना चाहते थे, जो न्यूट्रलाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स में है, एंड यूज़ ऑफ मसल एंड मनी पावर इन इलेक्शंस, मसल और मनी पावर जो यूज़ होती है, मसल पावर, आप सोच रहे होंगे मसल पावर क्या होगी, कि जब जबरदस्ती कहीं पे मतलब बूथ कैप्चरिंग की जाती है, जो यहाँ पे इलेक्शन बूथ बने हुए हैं उनको गन पॉइंट पे वहाँ पे खुद वोटिंग डाली जाती है, इस तरह का यूज़ होता है, या पैसा दिया जाता है वोटरों को, खरीदे जाते हैं, इस ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ये बात करती थी। नाइन्थ है, इट बिलीव्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देयर द स्टेट्स आर आल्सो गिवन प्राइमेसी इन द नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होनी चाहिए और स्टेट्स जो हैं
उनको प्राइमेसी देनी चाहिए नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि नेशनल लेवल जो डिसीज़न लिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंडिया में लेती है। कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होनी चाहिए, जो कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम जो है वो कोऑपरेटिव हो और साथ में स्टेट्स को भी मौका मिलना चाहिए या प्राइमेसी होनी चाहिए नेशनल लेवल के डिसीजन लेने में। 10th पॉइंट है, इट इज़ कमिटेड टू इम्प्रूव द स्टेटस एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इंक्लूड्स वुमेन, एससीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एट्सेट्रा। तो इनकी फुल फॉर्म है एससीज की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इनका स्टेटस जो है वीमेन का, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा, उनकी पॉलिसीज में था। इट इज़ कमिटेड टू अपॉइंट ए न्यू कमीशन, और ये इस फेवर में भी थी कि नया कमीशन जो है वो भी अपॉइंट किया जाना चाहिए, कंसीडरिंग द डिमांड्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स, और नई स्टेटें जो है वो क्रिएट होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, इन द स्फीयर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की उसके हिसाब से देखा जाए, इट फेवर्स क्लोज एंड कॉर्डियल रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज। तो इनका कहना था कि ये नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनके साथ भी कॉर्डियल रिलेशंस जो हैं बढ़ाएंगे, एंड अचीव ए फेयर एंड इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये एक सही और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो लाना चाहते थे। तो ये थी इनकी फॉरेन सॉरी इनकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जनता दल की। अब इसको इलेक्टोरल परफॉर्मेंस क्या रही है इसकी, कहाँ कहाँ कितनी सीटें इसको हासिल हुई हैं, कौन सी जनरल इलेक्शन में। तो अगर हम 9th जनरल इलेक्शन की बात करें टू लोकसभा हेल्ड इन 1989, जनता दल स्क्वेयर्ड 141 सीट्स, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, एंड फाउंड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, और इन्होंने नेशनल फ्रंट नाम की गवर्नमेंट जो है वो जनता दल पार्टी ने बनाई थी एट सेंटर विद द सपोर्ट ऑफ हर एलिज, और जो इसके सपोर्ट थे इसके एलिज थे। द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वॉज द सेकेंड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल। तो ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो थी ये दूसरी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी इंडिया में, जो 1997 से लेकर 1980 में बनी थी, और उसके बाद की जो 1989 में जो गवर्नमेंट बनी नेशनल फ्रंट की, ये सेकंड गवर्नमेंट थी नॉन कांग्रेस की। इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट रही थी 1977 से लेकर 1980 तक का पीरियड छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेंस में रही थी। इन द असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1990, तो फिर असेंबली इलेक्शन जो थी जो 1990 में हुई, जनता दल फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स ऑफ बिहार में इसकी सरकार बन गई, उड़ीसा और गुजरात, तीन स्टेटों में जनता दल ने अपनी सरकार बना ली। इन द 10th लोकसभा इलेक्शन, फिर जब 10वीं लोकसभा इलेक्शन आई ऑफ 1991 में, विच वर मिड टर्म इलेक्शन, जो मिड टर्म इलेक्शन थी, मिड टर्म इलेक्शन होती है जब ऐसे इलेक्शन जो है वो 5 साल के बाद होती है और बीच में इलेक्शन हो जाए उसको मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। जनता दल कुड मैनेज टू गेट ओनली 55 सीट्स, लेकिन जो पहले इसने 1989 में 140 सीट्स हासिल की थी, अब जो 55 पे आ गई, इट स्क्वेयर्ड ओनली 43 सीट्स, और ये 43 सीट्स ही स्क्वेयर कर सकी एंड 6 सीट्स इन द 11th एंड 12th जनरल इलेक्शंस। तो 11th इलेक्शन में 43 और 12th इलेक्शन में 6 सीट्स टू लोकसभा हेल्ड इन 1996 एंड 1998। फिर जो 11th और 12th जनरल इलेक्शन, 11th इलेक्शन हुई 1996 में और 12th जनरल इलेक्शन जो हुई ये हुई 1998 में। इट्स इलेक्टोरल परफॉर्मेंस स्टार्टेड वीकनिंग, इसकी जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस थी आप देख रहे हैं वो कमज़ोर होती जा रही है, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ इंटरनल स्ट्राइप्स। इंटरनल स्ट्राइप्स मतलब पार्टी के अंदर के झगड़े शुरू हो गए एंड स्प्लिट्स विद इन द पार्टी के अंदर ही पार्टी टूटना शुरू हो गई। इन 1999 मतलब 10 साल के अंदर इट स्प्लिटेड इनटू टू फैक्शंस। तो फिर ये 1999 में दो फैक्शंस में टूट गई, एक जेडीयू जो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं,
अंडर शरद यादव एंड आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव उसके हेड बन गए। इन द 13th लोकसभा, फिर जब 13वीं लोकसभा आई, सब इलेक्शंस आई हेल्ड इन 1999, जेडीयू स्क्वायर्ड 21 सीट्स ओनली। तो जेडीयू जो इसमें से अलग हुई थी जनता दल से 21 सीट्स हासिल करने में कामयाब रही। इन द 14th लोकसभा इलेक्शंस, 14वीं लोकसभा इलेक्शन में जेडीयू स्क्वायर्ड ओनली 7 सीट्स, लेकिन 14वीं लोकसभा सीट्स में जेडीयू 7 सीटें ही हासिल कर पाई लोकसभा की। वाइल आरजेडी स्क्वायर्ड 23 सीट्स, लेकिन जबकि आरजेडी जो है राष्ट्रीय जनता दल 23 सीट्स हासिल करने में कामयाब रही। विच वर हेल्ड इन 2004 इन द 15th जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, 15वीं जब जनरल इलेक्शंस हुई लोकसभा की 2009 में, जिस 2004 में और 2009 में आपको याद दिला दें कि पीएम जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 2000 हम बात कर रहे थे। इन द 15th जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा हेल्ड इन 2009 आरजेडी स्केट 4 सीट्स। आरजेडी की परफॉर्मेंस बता दें तो 4 सीटें इसको मिली 15वीं जनरल इलेक्शन हुई जो लोकसभा की 2009 में, एंड जेडीयू गॉट 20 सीट्स, और जेडीयू को 20 सीटें हासिल हुई। इन द 16th एंड 17th जनरल इलेक्शंस ऑफ 2014 2014 में जो 16वीं जो और 17वीं जनरल इलेक्शन हुई 2014 और 2019 में, जो लेटेस्ट जनरल इलेक्शन हुई है जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, स्क्वेड 4 एंड नील सीट, मतलब कोई जो ये 4 सीटें जो हुई आरजेडी की, ये 17th जनरल इलेक्शन में हुई थी 2014 में, और 2019 में इसको कोई भी सीट हासिल नहीं हुई। जेडीयू गॉट ओनली 2 सीट्स, 2 सीटें 17 जनरल इलेक्शन 2014 में जेडीयू को मिली, और 16 सीट्स 2019 में। तो ये है जनता दल की परफॉर्मेंस, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस जनता दल, और जनता दल से जो दो फैक्शन बने थे जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी। अब है बीजेपी, राइज ऑफ द बीजेपी। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं बीजेपी और जनता दल के, दोनों पार्टीज़ के इसी एक वीडियो के अंदर हैं। तो अभी हम बीजेपी की कैसे राइज हुई, कब ये पार्टी बनी और क्या इसकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हैज़ इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इन द नेशनल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की नेशनल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है बन के आई थी, शुरू में इतनी नहीं थी लेकिन अब तो बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी वाज फॉर्मड इन 1980 में जो पार्टी बनी थी एज ए फ्रैक्शन ऑफ जनता पार्टी, जो 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में लीडरशिप में जो सरकार बनी थी 1980 तक रही, और उसमें जनता पार्टी ही सारी जो छोटी छोटी पार्टी मिलके जनता पार्टी बनी थी, लेकिन जनता पार्टी से जब अलग अलग पार्टियां बनी और उसमें से ही बीजेपी ने एक पार्टी बनाई जो जनसंघ हुआ करती थी पहले, जो जनसंघ के लीडर थे, द लीडर्स ऑफ जनसंघ ग्रुप मेट इन दिल्ली में मिले और इन्होंने एक न्यू पार्टी फॉर्म करने की डिसाइड किया। दिस विलिंगनेस ऑफ द लीडर्स फाउंड एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी। तो इनकी विलिंगनेस से, इनके लीडर्स की विलिंगनेस से न्यू पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम हुई बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनके लीडर जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन अप्रैल 1980 में इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज्ड बीजेपी एज द नेशनल पार्टी। तो 1980 में अप्रैल में ही इसको रिकॉग्निशन मिल गई एज ए नेशनल पार्टी, वाज अलॉटेड द सिंबल ऑफ लोटस। तो जो आप जानते हैं कि इसका जो चुनाव निशान है वो लोटस है, फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए। इनिशियली द पार्टी वाज अर्बन बेस्ड, शुरू में जो पार्टी शहर
मतलब शहरों में ही इसकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस थी, बट ग्रेजुअली इट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इट्स रूट्स इन द रूरल एरियाज, और धीरे धीरे इसने अपनी जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं, वो रूरल एरियाज में भी बिखेरने शुरू कर दी। तो अब है इसकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, क्या क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज जो हैं वो बीजेपी की रही हैं। द आइडियोलॉजी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ बीजेपी कुड बी हाईलाइटेड एज फर्स्ट, ऑल्दो प्रोक्लेम्ड इट्स आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व, ज़्यादातर ये पार्टी जो बनी थी वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेकर आई थी, येट इट बिलीव्स इन रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स, लेकिन फिर भी इसने जो है वो ऑल द रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करने पे ये यकीन रखती है, एंड प्रैक्टिसिंग सेकुलरिज्म को भी इसने प्रैक्टिस किया है। सेकंड, इट बिलीव्स इन द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और ज़्यादातर ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे भी काम करने पे विश्वास रखती है। इट स्टॉन्चली सपोर्ट्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कोशेंट ऑफ इंडिया, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे भी यकीन रखती है, एंड स्टार्टेड दैट इट वुड नॉट कम्प्रोमाइज द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एट एनी कॉस्ट, तो किसी भी कीमत पर ये भारत की सुप्रीम पावर और जो अखंडता है, इंटीग्रिटी है, उसको उस पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती है। इट इज़ कमिटेड टू प्रोवाइड स्पीडी एंड चीफ जस्टिस टू ऑल, और इस पार्टी ने ये भी कमिट किया था कि ये चीफ और स्पीडी और चीफ बेस पे जस्टिस जो है वो भी प्रोवाइड करवाएगी। फिफ्थ पॉइंट था इसकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का, इट प्रामिसेस टू रिस्टोर द ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स, तो स्टेट्सों को जो ऑटोनॉमी दी गई है उसको रिस्टोर रखेगी, एंड फेवर्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और डेमोक्रेटिक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन की जाएगी, जैसे पंचायती राज वगैरह डिसेंट्रलाइजेशन में आता है। तो इट इज़ कमिटेड टू सप्रेस सेपरेटिस्ट्स, और इन्होंने ये भी कहा था या इस पॉलिसी अपनी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज में कमिटेड हैं कि ये सप्रेस करेंगे सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स एंड टेंडेंसीज हैं विद आयरन हैंड, जो जैसे कि कश्मीर में ये ऐसा कर रहे हैं, तो कश्मीर में जो है ये पार्टी जो है अब आयरन हैंड से मिलिटेंसी या सेपरेटिस्टों के साथ पेश आ रहे हैं। तो सेवन्थ है, इट फेवर्स द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था जे एंड के को, उसको इसने रिमूव करके ही दम लिया है, जो कि अगस्त 5 अगस्त 2019 में इसको जम्मू एंड कश्मीर से एब्रोगेट कर दिया था आर्टिकल 370 को। तो ये शुरू से उसको एब्रोगेशन के फेवर में थी, यही इसकी पॉलिसीज और प्रोग्राम में था, जो कि 2019 में इसने करके भी दिखाया। तो एट्थ, टू अचीव यूनिफॉर्म एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी प्रोग्राम पॉलिसीज में आता है कि एक जैसी बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए इंडिया में, टू मेक इंडिया एन इकोनॉमिक ग्लोबल पावर, और इंडिया को इकोनॉमिक ग्लोबल पावर भी ये पार्टी बनाना चाहती थी, एंड टू अचीव दैट गोल, और ये कुछ हद तक ये गोल अचीव भी किया है। बीजेपी इज़ नाउ अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ स्वदेशी एंड मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया का जो नारा जो दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, स्वदेशी कहने का मतलब कि हमें अपने देश की चीज़ों को इस्तेमाल करना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ये इसकी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज में है। इट्स कमिटेड टू इंक्रीज इम्प्रूव द फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स ऑफ द स्टेट्स, तो ये भी इस पर भी ये वादा करती है कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो है स्टेट्स की उसको भी मजबूत करेगी, बढ़ाएगी। इट स्ट्रॉन्गली एडवोकेट्स द पब्लिक स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस टू न्यूट्रलाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ करप्शन मनी एंड मसल पावर इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो ये इसने कड़ाई से सख्ती से ये भी मानना है पब्लिक स्टेट फंडिंग जो इलेक्शंस में होती है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, और करप्शन का जो ये असर है जो मनी का मसल पावर का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उसको भी ख़त्म न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इट फेवर्स द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन जो है उसके फेवर में भी है, रिव्यू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक सूटेबल रिकमेंडेशंस, इट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का प्रोविजंस है, उसको रिव्यू करने का प्रोविजन है,
उसके बाद है बीजेपी इज़ कमिटेड टू स्ट्रेंथन द ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ये बीजेपी जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी स्ट्रेंथ करने के इसकी पॉलिसी है, प्रोग्राम में है। इट फेवर्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज, तो ये पंचायती राज को भी मजबूत करने के फेवर में इंस्टीट्यूशंस बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट करके। बीजेपी हैज स्पेशल कंसर्न्स फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ इंडिया लाइक वुमेन, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज एटसेट्रा एंड वांट टू एम्पावर देम बाय बेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। तो ये वुमेन जो माइनॉरिटीज़ हैं, एससी एसटीज, इनको भी मजबूत करने की इनकी पॉलिसी है। उसके बाद है इन द स्फेयर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के स्फेयर में बीजेपी स्टॉन्चली फेवर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड पीसफुल पॉलिसी। इनकी भी जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, वो कंटिन्यूएशन इंडिपेंडेंट और पीसफुल पॉलिसी रही है। सिक्स डिसआर्ममेंट, और ये आर्ममेंट की रेस को भी कम करना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इट फेवर्स द इम्प्रोविजन ऑफ रिलेशंस विद ऑल द नेबरिंग कंट्रीज, और फेवर में है कि सभी नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस को इम्प्रोवाइज करें एंड टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की जो एसोसिएशन है जो 8 कंट्रियों की, उसको भी ये मजबूत करना चाहती है। तो ये थी इसकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ बीजेपी। अब है इसकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, मतलब इलेक्शन में क्या किया इसने, 1980 में ये पार्टी बनी थी उसके बाद इसकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी रही। बीजेपी वॉज फाउंड इन 1980 इन द 8th जनरल इलेक्शन हेल्ड, तो 8वीं जनरल इलेक्शन हुई थी इन 1984 में। बीजेपी कुड स्केयर ओनली 2 सीट्स, तो बीजेपी को उस वक्त सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई पहली जब जनरल इलेक्शन इसने कंटेस्ट की 1984 में, तो इंदिरा गांधी की तब मेजोरिटी आई थी। इन द फॉलोइंग टेबल द टोटल सीट्स स्केयर्ड बाय बीजेपी आर हाईलाइटेड, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोकसभा इलेक्शंस, कौन सी लोकसभा इलेक्शन थी और कितनी सीटें बीजेपी ने हासिल की। 8th लोकसभा इलेक्शन 1984 में हुई, बीजेपी गॉट ओनली 2 सीट्स। 9th लोकसभा इलेक्शन 1989 में हेल्ड हुई, 85 सीट्स बीजेपी गॉट, 85 सीट्स। देन 10th लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1991, मिड टर्म इलेक्शन हो गई, एंड देन बीजेपी गॉट 119 सीट्स। फिर 11th लोकसभा इलेक्शंस 1996 में हुई, बीजेपी गॉट 161 सीट्स। अब इसका ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। 12th लोकसभा इलेक्शंस 1998 में हुई, बीजेपी गॉट 180 सीट्स। 13th लोकसभा इलेक्शंस 1999 में हो गई, एक साल के बाद ही 182 सीट्स, 2 सीटें और बढ़ा ली। फिर 14th लोकसभा इलेक्शन 2004 में हुई, तो बीजेपी गॉट 147 सीट्स, लेकिन इन दिनों ये सरकार नहीं बना पाई। अटल बिहारी वाजपेयी की एक सरकार बनी थी लेकिन वो भी 12-13 दिन के बाद टूट गई थी, गिर गई, फुल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। और 15th लोकसभा इलेक्शंस हुई तो भी बीजेपी गॉट ओनली 116 सीट्स, कम हो गई। और 16th लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड 2014, बीजेपी गॉट 281 सीट्स। इन द 7th लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड 2019, बीजेपी गॉट 303 सीट्स। तो तब से जो मेजॉरिटी में है और ये पार्टी जो है अब रूल में है 2014 से। बीजेपी गेव आउटसाइड सपोर्ट टू जनता दल, बीजेपी ने, हाँ मैंने एक बात करी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की 1996 में सरकार टूट गई थी, लेकिन 1998 और 1999 में जो है 13th लोकसभा इलेक्शंस में फिर
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी और फिर 5 साल तक रही, 2004 और 2009 में। फिर 14वीं और 15वीं लोकसभा जो हुई इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं। तो बीजेपी गेव आउटसाइड सपोर्ट टू जनता दल गवर्नमेंट हेडेड बाय बीपी सिंह इन द 9th जनरल इलेक्शन। बीजेपी ने बाहर से सपोर्ट किया, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, जनता दल गवर्नमेंट को, और बीपी सिंह इसके प्रधानमंत्री बने थे 9th जनरल इलेक्शन में 1989। इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी इन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई। बट बीइंग ए कोलिशन गवर्नमेंट इट कुड नॉट रिमेन सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग इट्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल का ये नहीं टेन्योर पूरा कर सके। इन द 13th लोकसभा जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1999 तब जो है बीजेपी लेड एनडीए फॉर्म्ड। हाँ, तो एनडीए जो बना था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, फॉर्म्ड कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर After remaining out of power during the couple of tenures from 2004 to 2009 and from 2009 to 14, BJP-led NDA government has remained successful in securing majority in the 16th and 17th Lok Sabha elections held in 2014 and 2019 respectively, and it formed government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में अब पार्टी जो है 2014 से अब तक जो है प्रेजेंटली वो पावर में है।